क्या भाई लोग, नाराज हो क्या यार? आप लोग सोच रहे होंगे भाई टोटो कहाँ था अब तक। देखो मैं पहले बता दूं, मुझ पर गुस्सा निकालने का कोई सेंस ही नहीं बनता भाई साहब। मैं हमेशा की तरह रेडी था, लेकिन वो जैस बीमार पड़ गया था। जॉइंट अकाउंट के फायदे सबको पता होंगे, लेकिन नुकसान कितने हैं ये सिर्फ मैं जानता हूं यार। एनीवे पुरानी बातें छोड़ो यार, हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। चांदी से कोई अच्छा कोना पकड़ लो, मैं शुरू करता हूं। देखो स्वच्छ भारत अभियान से रास्ते की गंदगी को साफ किया जा सकता है, लेकिन मन की गंदगी को साफ करने के लिए आज तक कोई अभियान नहीं चलाया गया है। इन दोनों को देखो। वैसे आपको पता है कि पेप्सी का टैगलाइन क्या है? पेप्सी का टैगलाइन है दैट्स व्हाट आई लाइक, लेकिन दिशा का फोटो देखकर ये लोग सोच रहे हैं दैट्स व्हाट आई नीड। इसके ऊपर मेरा इंटेलिजेंट दिमाग तो एक ही बात कहता है भाई, फोटो में लड़की अगर सेफ नहीं है तो रोड पर। अबे सुधर जाओ बे, विकास और विनाश में सिर्फ एन का फर्क है भाई। वैसे अगर टाइगर श्रॉफ को पता चल गया ना कि तुम दिशा को ताड़ रहे हो, हीरोपंती 2-10 बार दिखाएगा बे। दुनिया में कोई दिल वाला है तो कृष्णा, कोई बुद्धिमान है तो वो है चाणक्य, कोई बाहुबली है तो वो है हनुमान जी, लेकिन कोई बदनसीब है तो वो है ये बच्चा। I got a bad feeling about this. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Game over. जिनके घर में बच्चे होते हैं उनका दिन बहुत अच्छा जाता है, लेकिन बच्चों की कुछ हरकतों की वजह से दिन खराब भी जा सकता है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप तो होते ही है, लेकिन वो लोग शैतान का रूप भी ले सकते हैं। एक स्विच होता है उनके अंदर। ये बच्ची लाइफ में कुछ और बने ना बने, लेकिन पॉलिटिशियन जरूर बनेगी भाई। कुर्सी अच्छा छीन लेती है। वैसे नजर फोन पर और दिमाग घुटनों में हो तो आपको कोई भी गिरा सकता है। देखो लाइफ में अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो क्या किया। लेजेंड की डेफिनेशन ऐसे लोगों से इंस्पायर होकर लिखी जाती है। पुलिस को घुमा दिया भाई, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए भाई ये करने के लिए, लेकिन बड़े जिगरे के साथ पिछवाड़ा भी बड़ा चाहिए, क्योंकि अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो वो बड़ा पिछवाड़ा ही है जो डंडों के मार को सहन कर पाएगा, और अगर छोटा पिछवाड़ा हुआ तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। अगर कोई पूछे फ्रैक्चर कहाँ हुआ है, बोल भी नहीं सकते। मेहनत के बाद अच्छा खाना और अच्छे खाने के बाद अच्छी नींद सबको पसंद है भाई, लेकिन ये सब तभी मुमकिन है अगर आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत बे, लेकिन आइडिया मस्त था भाई किसी को डराने का, मेरे इंटेलिजेंट दिमाग में कभी आया ही नहीं। कहीं ना कहीं अप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे भी दुश्मन कम नहीं है। देखो यार गवर्नमेंट लाखों रुपए खर्च करती है हर साल ये बताने के लिए कि भाई गाड़ी ठीक से चलाओ, घर पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। अब गवर्नमेंट ये भी बताएगी क्या कि गाड़ी ठीक से चलाओ, सामने वाले के घर पे भी कोई इंतजार कर रहा है? सब कुछ गवर्नमेंट नहीं बताती है बे, कभी कभी जब जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करने का। अब इस गाड़ी वाले को मैं क्या बोलूं, लेकिन इस बच्ची की माँ को पूछना चाहता हूँ, बहन जी किधर घूम रहे हो हैं? ऐसे तो आजकल लोग टॉमी को भी नहीं छोड़ते रोड पर, आपने बच्ची छोड़ दी। एनीवे इस भाई साहब ने आईफोन को कहाँ गिरा दिया देखो। क्या सीखे? पहली बात, लाइफ में महंगा फोन सोच समझ कर लो, अगर लेते हो तो खिड़की के पास जाकर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शीशा हो या दिल हो या आईफोन, इतनी हाइट से गिरने पर टूटता जरूर है भाई। ओके देन आज का प्रोग्राम यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो 2 लाइक ठोकना, एक अपने मोबाइल से एक किसी और के मोबाइल से, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक अपने मोबाइल से और एक नहीं इधर जितने भी फोन से सब्सक्राइब कर सकते हो करो भाई। मैं हूं आपका भाई टोटो द लेजेंड, मिलता हूं अगले वीडियो में, और तब तक हंसते रहना, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। जय हिंद।